और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए जल्द वाटर टैक्सी की भी शुरुआत होने वाली है। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। काशी में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वाराणसी प्रशासन ने नाव के माध्यम से श्रद्धालुओं को बाबा विश्वनाथ धाम तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा है। जिसके लिए दो नाव, एक रविदास घाट से चलकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और दूसरी नमो घाट से चलकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को शहर में जाम से मुक्ति मिल सकेगी और वो बाबा विश्वनाथ के दरबार तक आसानी से पहुंच सकेंगे। बता दें कि वाटर टैक्सी नाम के प्रोजेक्ट की शुरुआत अप्रैल महीने से होगी, जो श्रद्धालुओं के लिए काफी सुविधाजनक बताया जा रहा है। वाटर टैक्सी के लिए प्रोजेक्ट हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए सोच रहे हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर की रेवेन्यू शेयरिंग पे इस तरफ रविदास घाट और दूसरी तरफ नमो घाट से वाटर टैक्सी शुरुआत करवाने वाले हैं हम लोग। और वो टैक्सीज बेसिकली एक एक घंटे पे फेरी करेंगी और डबल साइड टिकट होंगी, जहाँ पे पैसेंजर अपनी टिकट देके चढ़ सकता है, वापिस चाहे उसी घाट पे लौट के आए चाहे अगले घाट पे उतर जाए। इस प्रकार की फेरिंग व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं, बहुत मामूली मूल्य के साथ, रेवेन्यू शेयरिंग के साथ हम लोग कर रहे हैं। उसका RFP जल्दी हम लोग जारी कराएंगे और सोलर पावर्ड बिना पोल्यूशन करने वाली इस प्रकार के अच्छे सॉल्यूशंस देने वाले हम लोग वाटर टैक्सी चलवाना चाहते हैं। उसमें बिना पोल्यूशन के लोग चढ़ सकें और वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हों और साथ ही पैसेंजर्स को एक विकल्प हम दे सकें कि गंगा की तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर में एंट्री हो, ताकि उन्हें जाम में ना फंसना पड़े, शहरवासियों को श्रद्धालुओं की वजह से दिक्कतें ना हों। तो जो पर्पज़ है बेसिकली गंगा द्वार खोलने का काशी विश्वनाथ मंदिर में, उसी के लिए एक नया स्टेप हम लोग करने जा रहे हैं और जल्दी ही वो भी अच्छी डिग्निटरीज के माध्यम से हम लोग उसकी शुरुआत कराएंगे। मार्च अप्रैल में इसकी प्लानिंग है कि तब तक वो चलनी शुरू हो जाए। इस पहल को लेकर श्रद्धालुओं ने कहा है कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है। शहर में बहुत ज्यादा ट्रैफिक की वजह से परेशानी होती है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है और ये होनी भी चाहिए थी। जी बहुत बढ़िया व्यवस्था है और यह होना भी चाहिए था, क्योंकि यह पूरे घाट से संत रविदास घाट से मणिकर्णिका घाट तक पूरे 42 घाट हैं और इतना दूर जाना मतलब 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर लगभग हो जाता है, तो 2 किलोमीटर पैदल जाना सीढ़ियों पर सबके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। तो यह बहुत ही अच्छा पहल है, होना भी चाहिए। ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि शहर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा जाम होता है, लोग इरिटेट होते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे शहर में जाम भी बढ़ रहे हैं, तो वहीं श्रद्धालु भी जाम में फंसकर परेशान हो रहे हैं। उनकी सुविधा को देखते हुए अब काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर 1 घंटे में नमो घाट से रविदास घाट तक फेरी के माध्यम से श्रद्धालुओं के आने जाने की व्यवस्था वाटर टैक्सी के रूप में वाराणसी प्रशासन करने जा रहा है, जो काफी सहूलियत भरा होगा। इसके लिए श्रद्धालुओं से किफायती रेट भी लिया जाएगा। वाराणसी से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट।